आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम के बीच अहम मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम का ये जो डिसीजन है अब उन पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल साउथ अफ्रीका की टीम 24 रन पर अपने 4 विकेट खो चुकी है और तंजीम हसन ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। तंजीम हसन की बात की जाए तो ये एक अच्छे गेंदबाज हैं और इनकी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टीम को अब बहुत बड़ा झटका दिया है। बात करें इनके विकेट्स की तो इन्होंने सबसे पहले शिकार बनाया रीज़ा हेंड्रिक्स को, जो कि पहली गेंद पर ही आउट हो गए और ये गेंद थोड़ा सा लो रही और इस गेंद पर LBW करार दिया गया और उसके बाद तंजीम हसन ने इस बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया। वहीं अगर बात करें तो इसके बाद दूसरा जो विकेट उनका था वो क्विंटन डिकॉक का विकेट था। क्विंटन डिकॉक जो कि 14 रन पर आउट हो गए, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिख रहे थे और बड़े शॉट्स खेल रहे थे, तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से अब टीम खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन क्विंटन डिकॉक का विकेट लेते ही अब देखा जाए तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है या फिर कहा जाए कमर एकदम तोड़ दी है। इसके बाद बची खुची जो कसर थी वो ट्रिस्टन स्टब्स के विकेट ने पूरी कर दी। तो इस तरीके से तंजीम हसन शाकिब ने 3 विकेट्स चटका दिए हैं, वहीं 1 विकेट तस्कीन अहमद ने चटकाया है। तो अब देखना होगा किस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम अब उभरती है। देखिए न्यूयॉर्क की पिच है, यहाँ पर बल्लेबाजी करना इतना आसान है नहीं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ यहाँ पर होती है। तो अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करती है। थोड़ा सा पावर प्ले में यूटिलाइज करने के चक्कर में साउथ अफ्रीका की टीम 4 विकेट गंवा बैठी। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम इस झटकों से किस तरीके से उभरती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।